रूम के अंदर का सारा काम हो चुका है और मैं अभी करूँगी ना गार्डन का काम। थोड़ा बहुत गार्डन में भी काम करना चाहिए। अभी धूप में ना उतनी अच्छी, मतलब गर्मी है नहीं, धूप भी नहीं है, हल्की फुल्की है, तो इस वजह से हमें ना पीछे अब आजकल हमारा मन बहुत लग रहा है गार्डन में, क्योंकि ना वहाँ पे हम लोगों ने खाट बिछाया है, हम लोग वहीं पे ही खाना खाते हैं दोपहर का। तो ठंड का टाइम है अभी, तो यही सब होगा कि हम चावल थाल लेके सीधा चले जाएंगे खाट के ऊपर और वहीं पे बैठ के खाएंगे धूप में। तो फिर मैंने यहाँ पे ना कुछ बर्तन था वो फिर मैंने धोना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे अभी जाना है अपने गार्डन में, क्योंकि वहाँ पे मन लग रहा है। मेरा दिमाग सिर्फ गार्डन में ही चल रहा है कि मैं कब जाऊँगी कब जाऊँगी। एंड ये तो चले गए मिट्टी लाने के लिए। मम्मी सुबह लेके आई थी एक गमला, बहुत अच्छा गमला है, मतलब प्लास्टिक का है बट बहुत अच्छा है। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि इंडोर करूँ, मैं इंडोर लगाऊंगी, बट माधव के चक्कर में ना हो नहीं पाता है। और माधव का स्वेटर भी मुझे खोलना है, धूप में खेल रहा है। तो अभी तो नहीं, अभी पहले मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद जाके मैं माधव का स्वेटर वगैरह सब खोलूँगी। और बहुत अति कर रहा है पीछे, मतलब धूल मिट्टी में लिवोट पोट हो जा रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ बोलूँगी नहीं उसको, क्योंकि बहुत टाइम से उसने मिट्टी से खेला भी नहीं है ना, तो इसलिए मैं अभी उसका जितना उसने टाइम मिट्टी में नहीं दिया है उतना एक बार में दे दे तो बेस्ट है। तो मैं माधव को ना मिट्टी में बहुत खिलाती हूँ, क्योंकि मिट्टी में खेलने से बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं। और देखो यहाँ पे ये जितना भी एक्स्ट्रा जड़ है ना ये सारा काट दे रहे हैं और इसको रिपॉट किया गया है। अभी ये बाल्टी में था, फिर मैंने इस टब में लगा दिया है और ये परमानेंट हो जाएगा। मुझे लगता है कि हर 1-1.5 साल में ना रिपॉट करना बहुत ज़रूरी है। और ये ना दो, पहले एक था, इसमें से रिपॉट करके 2-3 निकाला, तो जब इसमें से छोटे पौधे आने लगेंगे तब फिर से हम लोग इसमें रिपॉट करके दूसरा पौधा निकाल देंगे, ऐसा ही तो होता है। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा खाद डाला, काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा देखना, खाद मतलब डाई डाला। और ना हम लोगों ने एकदम नेचुरल जो होता है ना खाद वही डाला है, जो चीकू के पेड़ के नीचे का जो पत्ता गिरता है, मतलब चीकू का जो पत्ता गिरता है वो ना खाद हो जाता है, फिर उसी को हम यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छा खाद होता है। और हमारे यहाँ ऊपर ना सारी बालू मिट्टी है, एकदम ख़राब मिट्टी है, एक भी पौधा अच्छे से होता नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा हमें खाद डालना पड़ता है। और मैंने ग्रीन वाले गमले में ना पान का पौधा लगाया था, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं। यहाँ पे मैंने कुछ कवाड़ जमा दिया है जिससे कि मैं यहाँ पे जो मिट्टी है वो इजीली तरीके से इक्वल कर पाऊँ। और गाइस आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, हर एक पौधों में ना ये नर्सरी वालों ने एक जाला दे के रखा है पौधे में, और वो पौधा उसमें ग्रोथ ही नहीं आता है, वो अच्छे से खिलता ही नहीं है, छोटा ही रह जाता है, और प्लस वो 1 साल में मर जाता है, उस पर फूल पत्ते आने बंद हो जाते हैं, एक प्लास्टिक दे के रखते हैं। अब ये निकाल दिया है, हर एक पौधे से मैं प्लास्टिक निकालूंगी, और अभी के लिए बाय बाय।